अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, ये पिछले अरसे में कुछ लोगों ने एक वीडियो बनाई और उसमें कहा कि जी इकोनेक्स जो कंपनी है उसका जो FBR है वो इनएक्टिव है और पता नहीं क्या क्या क्या। तो अभी ये टाइम बज रहा है 12:24 और 7/24/2021, ये टाइम आ रहा है और इस पे मैं आपको अभी गूगल से लाइव जो है वो एक वीडियो बना के आपको मैं दिखाता हूँ। ये है FBR की वेबसाइट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और इसमें ये ऑनलाइन सर्विस का एक पोर्टल आता है, यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने जो है वो उनका पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आता है, यहाँ जब आप स्क्रॉल करते हैं टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, ये अगर मैं दिखा पाया तो ये इस पर जब आप क्लिक करते हैं। अच्छा, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करके NTN पे क्लिक कर रहे होते हैं या CNIC पे क्लिक कर रहे होते हैं या पासपोर्ट पे, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। आपका NTN नंबर है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, CNIC है यहाँ पे, पासपोर्ट आएगा तो यहाँ पे। जो कंपनीज होती हैं प्राइवेट लिमिटेड, उनका रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी नंबर होता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ ये जो हमारा जो लाइसेंस है उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी नंबर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है, 0136165, और ये इनका एक कैप्चा है, ये हम डाल देते हैं HU2HF8। ये मैंने क्लिक किया, ये आप देखें तमाम तर डिटेल्स। ये थोड़ा सा मैं कैमरा पीछे करूंगा तो ये क्लियर करेगा। ये देखें इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, ये रेफरेंस नंबर आ रहा है, ठीक है, और ये पूरी कंपनी का जो डिटेल आ रही है, ईमेल या ऑफिस नंबर एड्रेस आ रहा है, और ये नीचे लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्टिव। इसको अगर आप गौर से देखें, मैं नॉमिनेट भी कर देता हूँ, ये बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है। तो ये आपको मैं डेट भी दिखा देता हूँ, ये देखें 12:27:07:24 को ये लाइव मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो अब अगर इसके बाद भी किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो किसके रिलेटेड है, बहरहाल ये मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखा।